वीर प्रभु के सिद्धांत अहिंसा, अचौर्य, अपरिग्रह, अनेकांतवाद। जी हाँ, अनेकांतवाद किसी एक विषय पे अनेक मत हो सकते हैं। दूसरों के मत का आदर करना और मित भाव से अपना काम संपन्न करना, ये खूबी है हमारे श्री भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति के अध्यक्ष श्री विनय जी ठोले की। मैं विनोद जी ठोले को ससम्मान आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए। भगवान महावीर स्वामी जी की चरणों में कोटि कोटि वंदना है। जन्म कल्याणक महोत्सव पर्व की आप सभी को शुभकामनाएं और बधाइयां। आदरणीय मंच उपस्थित सभी सहधर्मी बंधु भाई और एवं बहनों, सादर जय जिनेंद्र। मनुष्य जन्म से नहीं कर्म से महान बनता है। जियो और जीने दो अनेकांतवाद का दिव्य संदेश देने वाले प्रभु महावीर भगवान का जन्मोत्सव अतिशय हर्ष से भरा आनंददायी है। आज की यह आध्यात्मिक सुबह हमें वीरवाणी के कई संदेश स्मरण करा रही है। इस धरातल पर प्रभु महावीर जी स्वामी जी का जन्म समस्त मानव जाति के लिए वरदान सिद्ध हुआ है। इतिहास के पन्नों पर हम नज़र डालें और गौर करें, कुसंस्कृतियाँ, कुरुतियाँ और आडंबर को जनमानस से अलग कर मानवता पर अनंत उपकार प्रभु ने किए हैं। इस उपसर्ग कई उपसर्ग सहकर इन्होंने मानव जीवन को उन्नत कर अब उसकी संस्कृति की धरोहर को बदल ही रखा है और मानवता के लिए बेहतरीन जीवन निर्माण किया है। सम्मानीय श्रीमान संजय जी सिंघी साहब, अल्पकालीन पूर्व सूचना पर यहाँ पधारे, यह खुशी शब्दों में बयां नहीं हो सकती। सिंघी साहब को मैं बता दूँ, आज सकल जैन संघ के तत्वावधान में आयोजित यह जन्म कल्याणक कई मायनों में सर्वश्रेष्ठ है। जलगांव की सामाजिक परंपरा हम सभी के लिए पथदर्शक होती है, किंतु भारतवर्ष के लिए भी प्रेरणादायी है। जलगांव जैन समाज एवं श्री संघ की गौरवशाली परंपरा रही है। ऐसे जन्म कल्याणक एवं विशाल आयोजन चारों संप्रदाय माध्यम के संपन्न से कराते आए हैं। वर्तमान में हम सभी युवक इसी श्रेष्ठ परंपरा को अनुसरण संघ के आधार स्तंभ एवं संघ हितेशी निर्देशानुसार करते आए हैं। आज यह विशाल उपस्थिति यही दर्शाती है कि हम सब एकता के परम सूत्र में बंधे हुए हैं। आप इस जनु समुदायों में कौन किस संप्रदाय का है पहचान नहीं पाओगे। हमारी यह प्यारी सफलता है। हम एक है, हम एक थे, एक हम एक रहेंगे, यह हमारा जीवन सूत्र भी है। मेरे व्यक्तिगत व्यवसाय प्रगति उन्नति में बात करें तो वह सकल जैन समाज के बिना असंभव थी। उनका योगदान पूरक रहा, यह शब्दातीत है। मुझे पूरा विश्वास है आज का आपका हृदयपर्शी उद्बोधन सुनकर सिर्फ मंगल प्रसंग या खुशियों में नहीं तो कठिन आवश्यक प्रसंगों पर भी हम एक रहेंगे, उपस्थित रहेंगे। आपको आश्वस्त करता हूँ, आपको सुनने के बाद हमारी परस्पर सहयोगिता निश्चित ही वृद्धोंगित होगी। मुझे इस वर्ष का सकल जैन महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव समिति के अध्यक्ष रूप में मनोनीत किया गया। मैं संघ श्रेष्ठियों की, जिन्होंने मुझ पर अपार विश्वास किया, तथा आप सभी श्रु श्रावक और श्रु श्राविकाएं, मेरे मित्रजन, मेरे सहयोगी, सभी का इस मंच से हृदयपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अत्यधिक व्यस्तता में बीच में कई बार कम ज़्यादा समय दे पाया, फिर भी आप सभी का साथ सहयोगिता इस कार्यक्रम को अत्यधिक सफल बनाने में बना गई। समय समय पर सम्माननीय पूर्व मंत्री सुरेश दादा जैन साहब, पूर्व सांसद ईश्वर बाबूजी जैन, जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड के अध्यक्ष अशोक भाऊ जैन, श्रीमती नयनतारा जी बापना, पूर्व महापौर प्रदीप जी भाऊ रायसोनी, श्री सकल संघ जैन के अध्यक्ष दलू बाबा जैन, कस्तूरचंद जी बापना। दलू बाबा जैन का आज यहाँ पे हम उनको मन से यहाँ देख रहे हैं, तन से भले ही वो यहाँ ना रहे। इस नियोजन में करीबन 8 से 10 बार मेरे फ़ोन हुए, 2 बार मेरी पर्सनल उनसे बातचीत हुई, मैं पर्सनल मिल के आया। वो अपने तबीयत के कारण उन्हें यहाँ आना नहीं चाहिए, ये परिवार और डॉक्टर का सलाह थी,
पर बाबा का मन मान ही नहीं रहा था। दादू बाबा बोलते थे मैं कैसे क्यों ना दो मिनट के लिए आऊँगा। हमने बोला बाबा आप तन से नहीं मन से तो यही रहेंगे, हमारे साथ ही रहेंगे, और हम सब आज दलू बाबा को अपने सामने साथ में पा रहे हैं। ये भावना के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ। इस योजना यह प्रोग्राम सबके लगभग एक महीने तक छोटी मोटी बात आदरणीय अशोक बहू तथा प्रदीप बहू रायसोनी ने इन्होंने खूब समय दिया। अशोक बहू इन्होंने जैन इरिगेशन कंपनी तथा भोरलाई एंड कांतालाई जैन मल्टीपर्पज फाउंडेशन के माध्यम से कई व्यवस्था को पूर्ण किया, जिसके बगैर यह महोत्सव संपन्न करना असंभव था। मैं उसका यहाँ पर गौरवपूर्ण उल्लेख करना चाहूँगा। स्वरूप जी लुंकड़ जी का भी बहुमूल्य सहयोग रहा। जन्म कल्याणक समिति के कुछ सदस्यों ने दिन रात एक महोत्सव के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। उनकी खूब प्रशंसा करता हूँ। उनकी इस पवित्र सेवाभावी वृत्ति को मेरा नमन। बाकी सदस्यों का विशेष उल्लेख करता हूँ। धन्यवाद। जय महावीर। जय जिनेंद्र। धन्यवाद विनोद जी। अपनी पारिवारिक परेशानियों को नजरअंदाज करते हुए गत 4 वर्षों से विनोद जी की माताजी औरंगाबाद में अस्पताल में एडमिट है। समिति के किसी सदस्यों को भी इसकी भनक तक नहीं लगने दी, अपना उत्तरदायित्व काफी सुचारू रूप से निर्वाहित किया। आपके इस क्षमता के लिए आपको अनेक अनेक साधुवाद। धन्यवाद। धन्यवाद। सचमुच विनोद भाई ठोले, जिस क्षण आप अपने जीवन में समाज कार्य की जिम्मेदारी का वहन करते हो, उसी क्षण से आप अपने जीवन में सब कुछ बदल देते हो। इसी शुभ भावना की सोच के साथ जिस सुश्रावक आपने इस प्रभु परमात्मा के जन्म कल्याणक के कार्यक्रम का उत्तरदायित्व का निर्वहन अपने मजबूत कंधों पर संभाला, हमें सचमुच बहुत बहुत गर्व है।